हेलो एवरीवन वेलकम टू श्री राम जाइर्स यूट्यूब चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड थिंग्स आर फाइन एट योर प्लेस विद दिस लेट्स बिगिन विद टुडे सेशन जिसमें हम कवर करेंगे ये आर्टिकल्स दैट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू एक आपको आइडिया दे देती हूँ ब्रीफ हो जाएगा कि आज हम क्या, क्या कवर करने वाले हैं ताकि देखो ऐसा होता है ना कि जब आप सेशन में हो आप टाइम लगा रहे हो अपना तो क्या कवर करोगे उसमें बुक पढ़ रहे हो तो इस बुक में क्या कुछ होगा इंडेक्स होता है ना आपके पास एक रफ स्केच मिल जाता है वही रफ स्केच है ये हम बात करेंगे आज एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो यूपीएससी एशियन डेवलपमेंट बैंक पे ऐसे सवाल पूछ चुकी है तो ए के क्या फंक्शन हैं इसकी मेम्बरशिप किस किस के लिए ओपन होती है इसका सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है राइट एंड वेरियस अदर थिंग्स जो भी इससे जुड़ी हुई होंगी हाउ इट इज बेसिकली यू कैन से रेगुलेटेड तो एवरी थिंग विल डिस्कस इसकी मेंबरशिप हाउ इट इज कंट्रोल्ड बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हो गए और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है ये सारी बातें कवर करेंगे ए के बारे में देन विल मूव अ हेड विद नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एन बी एफ आई डी इकोनॉमी बेस्ड आर्टिकल है और कॉन्टेक्स्ट के साथ इसको फिर हम देखेंगे एंड विल टेक इट सिमिलरली इसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे हाउ इट इज रेगुलेटेड डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ठीक है कोलेशन ऑफ एपिडेमिक एपिडेमिकपेयरनेस इनोवेशन ये हम इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि हाल ही फरीदाबाद में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उन्होंने एशिया का पहला हेल्थ रिसोर्स रिलेटेड एक फैसिलिटी आप बोल सकते हो दैट इज प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगी प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी तो ये फरीदाबाद में इनोग्रेट किया है तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली दिस इट इज अंडर द सीईपीआई ठीक है तो विल डिस्कस सीईपीआई हलवा सेरेमनी क्या है क्यों हलवा है किस खुशी में है वो खुशी देखेंगे एंड फ्लड मैनेजमेंट इन इंडिया ये एडिटोरियल है इंडियन एक्सप्रेस में आया रिसेंटली तो विल टेक दैट आप जी एस पेपर थ्री से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो फ्लड मैनेजमेंट इन इंडिया को डिजास्टर मैनेजमेंट से ठीक है जी सेशन अच्छे लगते हैं तो मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स आल्सो राइट दे माइट आल्सो गेट टू नो अबाउट दीज लेक्चर्स एंड वील हैव एन एक्सटेंडेड फैमिली देन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल जिन्होंने नहीं किया है क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करोगे जो भी सेशन uh, अपलोड होता है पब्लिश होता है तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाती है फिर सॉर्टेड है चलिए स्टार्ट करें ये लीजिए आपका पहला आर्टिकल एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिसेंटली एडीबी रिटेन्ड इंडिया जी डी पी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर एट सेवन परसेंट मतलब एडीबी हैज प्रडिक्टेड कि इंडिया की जी डी पी इट विल ग्रो बाय सेवन परसेंट इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इसका मतलब इसका मतलब यह है कि ए डीबी एक्सपेक्ट की ओवरऑल जो इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ इंडिया है इट इज टू इंक्रीज बाय सेवन परसेंट एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर बहुत ही लेमेंट टर्म से मैंने स्टेटमेंट दे दिया अब आपको एडीबी इज एक्सपेक्टिंग एंड दैट की इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमिक जी डी पी ओवरऑल जो हमारी जो इकोनॉमिक आउटपुट है इंडिया की वो पिछले साल के कम्पेरिजन में वो सात परसेंट से इंक्रीज करेगी राइट right. हम बात करते हैं एडीबी के बारे में आप बैंक देख रहे हो ये एक मल्टी लेटरल डेवलपमेंट बैंक है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि मल्टीपल कंट्रीज में इट सपोर्ट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉपरेशन तो ये इसका काम है एशिया पैसिफिक रीजन के लिए एक मेन इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है एशिया पैसिफिक में इसका विजन क्या है एक प्रॉस्परस एक वेल्दी एक इंक्लूसिव एक रिजिलियंट एक सस्टेनेबल यू वांट टू क्रिएट एशिया एंड द पैसिफिक। कि इस रीजन में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको रिड्यूस किया जाए नाइनटीन के अंदर डिसम्बर में इट वॉज एस्टैब्लिश्ड क्या करती है ग्रांट्स देती है ये बैंक देता है टेक्नीकल असिस्टेंस देता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट इट प्रोवाइड सपोर्ट इन दीज वेरियस फॉर्म्स राइट सो इट हेल्प्स इट्स डेवलपिंग मेम्बर कंट्रीज द प्राइवेट सेक्टर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आप बोल सकते हो सो थ्रू ग्रांट्स थ्रू लोन्स थ्रू टेक्निकल असिस्टेंस तो पहले तो ना जब भी आपके पास आए एशियन डेवलपमेंट बैंक आप किसी बच्चे को कैसे बताओगे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है वो बैंक है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो असिस्टेंस प्रोवाइड करता है अपने डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज को प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को कैसे ग्रांट्स देकर लोन्स देके, टेक्निकल असिस्टेंस के थ्रू इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू ताकि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो प्रमोट करी जा सके उस पर्टिकुलर रीजन में सो इट इज अ प्रिंसिपल इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फॉर एशिया पैसिफिक जो कि इन्विजन करता है एक प्रॉस्परस इंक्लूसिव रिजिलियंट सस्टेनेबल एशिया एंड दी पैसिफिक जहां आपके एफर्ट्स हैं टू इराडिकेट एक्सट्रीम पोवर्टी इन दिस रीजन नाइनटीन डिसंबर 1966 को एस्टेब्लिश हुआ एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक क्लियर तो और इसके क्या फंक्शन है देखो एवरीथिंग विल टेक अप एशियन डेवलपमेंट बैंक कंट्रीज को हेल्प करता है टू डेवलप हाउ सी बाय फैसिलिटेटिंग पॉलिसी डायलॉग्स सरकारों के साथ बात करना टू हेल्प देम मेक गुड पॉलिसीज प्रोवाइडिंग एडवाइसरी सर्विसेज गिविंग एडवाइसेज एंड सर्विसेज टू हेल्प द कंट्रीज टू इंप्रूव देयर प्रोजेक्ट्स एंड देयर प्लान्स मोबिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्स थ्रू को फाइनेंसिंग ऑपरेशन दैट टैप ऑफिशियल कमर्शियल एंड एक्सपोर्ट क्रेडिट सोर्सेज मतलब अलग अलग सोर्सेज से इट गैदर्स मनी लाइक गवर्नमेंट से बैंक से टू फंड दीज प्रोजेक्ट टू गैदर इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलिपीन्स के अंदर है इसकी मेम्बरशिप हर किसी को ओपन है इट अलाउ कंट्रीज टू बिकम द मेम्बर्स इफ दे आर पार्ट ऑफ ए डीबी इज ओपन टू मेंबर्स एंड एसोसिएट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड द फार ईस्ट सो इफ आर पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड द फार ईस्ट दे कैन बी द मेंबर्स ऑफ इट ऑल्सो इट इज ऑल्सो ओपन टू अदर रीजनल कंट्रीज बाकी रीजनल कंट्रीज के लिए भी ओपन है नॉन रीजनल डेवलप्ड कंट्रीज के लिए भी ओपन है जो कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर है या फिर किसी भी उसकी स्पेशलाइज एजेंसी के मेंबर है जब 1966 में एस्टेब्लिश हुआ तो 31 वन मेंबर्स थे बाद में ग्रो हुआ 68 एट मेंबर्स बने जिसमें से 49 एशिया में है एशिया एंड पैसिफिक के हैं 99 आउटसाइड है यूपीएससी स्टेटमेंट डाल देगी जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एशिया पैसिफिक के होते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक में आपको लगेगा हाँ भाई एशियन डेवलपमेंट बैंक है तो एशिया पैसिफिक ही होंगे लेकिन बाहर के भी हैं ठीक है एडीबी इज रन बाय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं मेंबर कंट्रीज ऑफ द एडीपी ये बोर्ड जैसे वर्ल्ड बैंक इट ऑपरेट सिमिलरली टू दर्ल्ड बैंक एक वोटिंग सिस्टम होता है जहां पर कंट्रीज वोट करती हैं डिपेंडिंग ऑन कि हाउ मच मनी दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू एडीपी तो एक इट इज वेटेड वोटिंग सिस्टम जहां पर वेट डिस्ट्रीब्यूटेड है इन प्रोपोर्शन टू द मेंबर्स कैपिटल सब्सक्रिप्शन जैसे पांच लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स देखो जापान और यूएस का टोटल शेयर है छह परसेंट दोनों का ईच चाइना का सिक्स पॉइंट फोर परसेंट है इंडिया का सिक्स पॉइंट थ्री परसेंट है ऑस्ट्रेलिया का फाइव पॉइंट एट परसेंट चाइना इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर दैन इंडिया सोर्सेज ऑफ फंडिंग ADB raises money by borrowing from international bond markets so it raises capital regularly through the international bond markets member member countries contributions may lending say it earns money and the repayment of loans for the funding of the organization right so these funds are used to support the ADB's activities and projects then you have naBFID national. बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट दिस पर्टिकुलर बैंक वाइट इज इन न्यूज क्योंकि सरकार चाहती है कि इसका कैपिटल बेस रेज करना टू वन ट्रिलियन कैसे फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ बैंक्स पर्टिक्युलर बैंक नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट दो हजार इक्कीस में सेटअप हुआ बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एक्ट का नाम क्या था नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन इंडिया में एक स्पेशलाइज डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है ये मैंने तभी पूछा बोला आपको ये क्या होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे इसके क्या गोल्स हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग चाहिए अगर वहां गैप है तो उसको फिल करना जिसको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं तो फाइनेंसिंग फॉर दोज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स द बैंक to टू स्ट्रेंथन bonds and एंड डेरिवेटिव मार्केट एंड बाय सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर obviously ऑब्वियसली इट प्लेज अ रोल इन इंप्रूविंग overall economy. जॉब्स होती हैं, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो दिस मिशन इज टू फाइनेंस द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप द फाइनेंशियल मार्केट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू अ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ नाउ इट इज रेगुलेटेड बाय इट इज सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई एज एन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द प्रिंसिपल आइडिया बिहाइंड द सेटअप ऑफ दिस बैंक इज टू प्रोवाइड अ डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन होगा एक स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन होगा जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग नीड्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के जो है उसको एड्रेस करेगा ठीक है आप डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से क्या समझते हो वो ऑर्गेनाइजेशन दैट आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड फंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लार्ज स्केल प्रोजेक्ट when it becomes unviable for the other banks to lend ab do tarike ke fund ye dete hain ek medium aur ek large medium matlab wo loans aur investments that need to be paid back within 1 to 5 years agar wo hai medium agar wo in loans hai wo investments hai that have a repayment period longer than 5 years to है hai large type of funds theek hai just a minute. Hmm. Yeah. तो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उन्होंने इनोग्रेट किया है एशिया का पहला हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी अंडर सीईपीआई इन फरीदाबाद इसके बारे में पढ़ते हैं फैसिलिटी वगैरह क्या है वो भी हम देख लेंगे देखो इट इज डिजाइंड टू सपोर्ट अर्ली स्टेज रिसर्च एंड टेस्टिंग ऑफ द पोटेंशियल वैक्सीन्स एंड ट्रीटमेंट फॉर द डिसजेस उनके स्पेसिफिकली उनके लिए दैट को लीड टू एपिडेमिक्स पैंडमिक्स तो दिस थिंग इज डिजाइंड टू सपोर्ट दोज अर्ली स्टेज रिसर्च एंड टेस्टिंग ऑफ दोज पोटेंशियल वैक्सीन्स एंड ट्रीटमेंट फॉर द डिसजेस प्री क्लिनिकल नेटवर्क फेसिलिटी इंडिया की कमिटमेंट शो कर रहा है आप अपने यूपीएससी में जीएस पेपर थ्री में भी लिंक कर सकते हो पेपर टू से भी कनेक्ट कर सकते हो हेल्थ सेक्शन से भी ले सकते हो साइंस एंड टेक्स से भी ले सकते हो ठीक है सो दिस इनोग्रेशन इज सिग्निफाइंग द इंडियाज कमिटमेंट इन एडवांसिंग साइंस कैपेबिलिटी साइंटिफिक कैपेबिलिटीज रिस्पोंडिंग टू हेल्थ क्राइसिस ऑन रीजनल स्केल ग्लोबल स्केल ना वट डू यू मीन बाय सीई पी आई डेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशन दो हजार सत्रह में इट वॉज लॉन्च एक पार्टनरशिप है जिसमें गवर्नमेंट मतलब पब्लिक प्राइवेट फिलेंथ्रोफिक सिविल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है स्विट्जरलैंड के अंदर इट वॉज फाउंडेड इन डेवोर्स बाई द गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे एंड इंडिया इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विध बिल एंड मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन द ट्रस्ट एंड दर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ठीक है इसका मकसद क्या है वैक्सीन की डेवलपमेंट को स्पीडअप करना बाकी ट्रीटमेंट्स को भी स्पीड अप करना टू फाइट द एपिडेमिक एंड पैंडमिक डिसीजेस एंड द एम इज टू मेक दीज मेडिकल सॉल्यूशंस अवेलेबल टू एवरी वन जिसको भी जरूरत है हेल्थ एमरजेंसीज के टाइम पे तो जब से इट हैज बिन फ्रेम्ड इट हैज स्टार्टेड इन्होंने सपोर्ट किया है द क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवर फिफ्टी पोटेंशियल वैक्सीन एंड टेक्नोलॉजीज जिनको आप यूज कर सकते हो और अगेंस्ट द डेंजरस डिसीजेस राइट कोई भी डिसीज़ आउटब्रेक होता है आप उसको रिस्पॉन्ड करो इफेक्टिवली ये इसीलिए काम करते हैं राइट नाउ सी पी प्लान फॉर 2022 टू 2026 ट्वेंटी ट्वेंटी इज द 100 days mission they're focusing on this initiative 100 days mission goal of the mission is to develop effective vaccines to develop safe effective vaccine and to shorten the time it takes to develop that that can be accessed globally also in response to any new threat and the aim is to achieve this in just 100 days फ्रॉम आइडेंटिफाइंग अच्छा न्यू वायरस है पैथोजन है ये एक पैंडेमिक कॉज कर सकता है एंड यू कम अपने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के में जो है इस इज सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडिया ई पी आई मिशन ये मिशन स्पेसिफिकली एम करता है एट एनहेंसिंग दिपेयरनेस थ्रू रैपिड वैक्सीन डेवलपमेंट ठीक है सो दिस इंप्लीमेंटेशन इज ओवर सीन बाय डेडिकेटेड प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट एट बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल चलिए हलवा खाते हैं हम खा सकते हैं देखते हैं यह हलवा किसके लिए बना गया है कौन बनाएगा <laughs> कौन बनाएगा एज इन पर्पज क्या है इसके पीछे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर टू पार्ट इन दिस हलवा सेरेमनी बजट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर आएगा सरकार अब बनी इलेक्शन हुए बजट रखना है अब पहले इनप्रेम बजट था सो दिस हलवा सेरेमनी मार्क्स फाइनल स्टेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग द यूनियन बजट तो ये जो हलवा बनता है दिस सेरेमनी जो होती है ये सिग्निफाई करती है uh, मतलब इट इट ऑफ़ ऑल द प्रिपरेशंस एंड बिगनिंग ऑफ प्रिंटिंग ऑफ बजट डॉक्यूमेंट्स 23 जुलाई को हमारा जो बजट है इस साल का इट विल बी प्रेजेंटेड इन लोकसभा। ठीक है? इस हलवा सेरेमनी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं ये एक ट्रेडिशनल रिचुअल है इंडिया के अंदर एज अ पार्ट ऑफ प्रिपेयरिंग विच मतलब एज अ पार्ट ऑफ यू कैन से प्रिपेयरिंग द यूनियन बजट इस सेरेमनी के दौरान जो हलवा होता है वह बनाया जाता है और वो ऑफिशल्स को बांटा जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्टाफ को बांटा जाता है सो इट इज सर्व टू दफिशर्स एंड स्टाफ मेंस मिनिस्ट्री हु वर्किंग ऑन द बजट ये एक लगा लीजिए इट इज अ सिम्बोलिक सेंड ऑफ फॉर देम ड ऑफ फॉर दी फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल का मतलब कि अब दे विल एंटर अ पीरियड दैट इज नोन एज लॉक इन पीरियड जिसके अंदर दे स्टे इन द बेसमेंट ऑफ नॉर्थ ब्लॉक दे विल कट ऑफ फ्रॉम दी वर्ल्ड आउटसाइड किस लिए ताकि जो फाइनेंशियल बजट डॉक्यूमेंट है उसकी सिक्रेसी मेंटेन करने के लिए एंड इसकी जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि नाइनटीन फिफ्टी में ना एक इंसिडेंट हुआ जब यूनियन बजट का दर्टन पार्ट वॉज लीक डाउट और इसके चलते जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम के इट इटलेट टू द रेजिग्नेशन ऑफ दैट फाइनेंस मिनिस्टर जून मैथ्यू उसके बाद से मेजर्स लिए जा रहे हैं टू प्रिवेंट एनी प्री मेच्योर डिस्कलोजर ऑफ बजट इंफॉर्मेशन इंटेग्रिटी मेंटेन हो सीक्रेसी मेंटेन हो यूनियन बजट देखो कहीं पर ऐसे बजट मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट मेंशन है इन दी आर्टिकल वन हंड्रेड ट्वेल्व ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ठीक है चलिए लेट्स टेक द लास्ट आर्टिकल ऑफ टूडे सेशन जिसमें हम बात करेंगे एडिटोरियल की आई होप यू ऑल आर हैविंग पेन एंड पेपर अलॉन्ग विद यू हाल ही में जो असम में फ्लड्स आए हैं दे आर हाईलाइटिंग दल क्राइसिस इन इंडिया देखो ऐसा है फ्लड्स जो है जब हम बात कर रहे हैं कि सो इट इज एक्जीबिटेड बाय द नेचुरल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स आल्सो व्हाट आर दीज बोथ आई डिस्कस हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं एज अ फ्लड को एक नेचुरल डिजास्टर लेकिन ये चीज ओवर लुक कर जाती है द रोल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू फ्लड डैमेज हैवी मॉनसून रेन्स होती हैं हर साल दे आर द मेजर कॉज ऑफ दीज फ्लड्स लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा इन एडवोकेट है जो इसके इंपैक्ट को ज्यादा बढ़ा देता है एंड इट वर्स इन दिचुएशन इंडिया की जियोग्राफिकल वर्लरेबिलिटी इट मीन्स दीज फ्लड्स कॉज सब्सटेंशियल लॉसेज एवरी ईयर देर इज अ ग्रेट नीड एंड वी आर अंडर द नीड फॉर एन इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम देखो इंडिया की एनुअल रेनफॉल की जब हम बात करते हैं तो 75% फाइव परसेंट ऑफ द इंडियाज एनुअल रेनफॉल दे कम ड्यूरिंग दिस मॉनसून सीजन तो हमारे पास नंबर ऑफ चैलेंजेस आ जाते हैं फ्लड भी मैनेज करना है ड्रॉट भी मैनेज करना है कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजी चाहिए आपको टू मिटिकेट द फ्लड रिस्क जिंदगी प्रॉपर्टी फ्रॉम दीज एनुअल इवेंट हर साल होता है सिक्किम में आ गई आसाम में आ गई नेचुरल कॉजेस क्या है पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नेचुरल कॉजेज ऑफ फ्लड्स डू राइट इट डाउन हैवी रेनफॉल नेचुरल कॉज है मॉनसून के टाइम पे जून से अभी ये जो महीना चल रहे हैं जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर हैवी रेन्स होती हैं दे एक्सीड दॉयल्स कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब दी वॉटर और फिर ऑब्वियसली फ्लड होता है हैवी रेनफॉल एक नेचुरल कॉज है फ्लड का ग्लेशियर्स मेल्टिंग इट इज अ कॉज जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स दे हैव इंपैक्टेड रीजन लाइक सिक्किम साइक्लोन्स स्टोम्स रिवर ओवरफ्लो हो जाना जब वाटर लेवल एक्सीड कर जाता है अपनी कैपेसिटी से ड्यू टू हैवी अपस्ट्रीम इनफ्लो यमुना रिवर फ्लडिंग हुई थी दो तो हजार में नेचुरल कॉजेस हैं मैन मेड क्या हैं मैन मेड कॉजेस बाढ़ आती है unplanned urbanization है अर्बनाइजेशन आपकी और ये आप अपने जीएस पेपर वन के अर्बनाइजेशन टॉपिक से भी लिंक कर सकते हो रैपिड डेवलपमेंट अनप्लैंड ग्रोथ है सिटीज की स्लम्स की जिससे बाढ़ आने के खतरे बढ़ते हैं ड्यू टू अर्बन एक्सपेंशन सिटीज लाइक हैदराबाद चेन्नई दे हैव फेस सीवियर फ्लड्स दूसरा है कंक्रिटाइजेशन कंक्रीटाइजेशन का मतलब होता है ये कवरिंग द लैंड विद कंक्रीट एसफॉल्ट रिड्यूज दीच देखो कवरिंग द लैंड विद कंक्रीट एंड एसफॉल्ट तो वहां क्या होता है ना रेन वाटर की एब्जॉर्प्शन जो होती है वो कम हो जाती है फिर सरफेस रन ऑफ बढ़ेगा रिवर बेड में कंस्ट्रक्शन होना वो डिस्टर्ब करता है नेचुरल वाटर फ्लो को डिफोरेस्ट्रेशन डैम्स देखो डैम्स यू वी नो डैम्स हेल्प टू मैनेज दॉटर फ्लो लेकिन पुअर मैनेजमेंट ड्यूरिंग हैवी रेन्स इट कैन लीड टू फ्लड्स अनसस्टेनेबल माइनिंग एक्टिविटीज दे आर कॉजिंग सॉयल इरोजन नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न ऑल्टर होते हैं फ्लड रिस्क और बढ़ता है क्लाइमेट चेंज आपका ड्रेनेज सिस्टम पुअर होना दीज ऑल आर दॉेस ठीक है तो देखो जब मैं डैम की बात कर रही हूं ना तो हम बात कर लेते हैं कि फ्लड मैनेजमेंट के क्या सोल्यूशन हो सकते हैं ना उसमें आपका डैम वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा एज फार एज सोल्यूशन इज कंसर्न देर आर सम स्ट्रक्चरल मेजर्स उसमें क्या क्या आता है कि रिवर्स की इंटरलिंकिंग करना एक रिवर में सरप्लस रिवर्स है एक डेफिशिएंट है तो जैसे केन बेटवा लिंकिंग प्रोजेक्ट है उससे क्या करोगे आप सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो गई बुंदेलखंड रीजन की एंड यू इंश्योर वाटर सिक्योरिटी दूसरा स्ट्रक्चरल मेजर्स में रिजर्वॉयर्स है कि एक्सेस पानी जो आ रहा है यू स्टोर दैट ड्यूरिंग हैवी रेन्स और फिर ड्राई पीरियड्स के टाइम पे यू रिलीज इट ठीक है बागड़ा नंगल डैम हो गया ऑन द सतलुज रिवर इट एड्स इन फ्लड कंट्रोल पावर जनरेशन इरीगेशन तीसरा स्ट्रक्चरल मेजर हो सकता है कोस्टल मैनेजमेंट जैसे कि मैनग्रोव मैनग्रोव बैरियर्स की तरह एक्ट करते हैं अगेंस्ट कोस्टल फ्लडिंग हमारे प्रोग्राम्स है, है. right? हैं एक मिष्टी प्रोग्राम है राइट ये है आपके कुछ स्ट्रक्चरल मेजर देर कैन भी अदर स्ट्रक्चरल मेजर ऑल्सो लाइक डाइवर्जन right embankments now non-structural measures flood forecasting early warning systems right you can say flood plain zoning Based on vulnerability, you take such regulatory measures that control the land use in the flood prone areas. Conserve, conserve your natural flood buffers, wetlands, forest, flood prone lands. You classify it in different zones to regulate the development. Flood insurance. crop insurance against the flood damage. Flood awareness and education. कम्युनिटीज को एडुकेट करो अबाउट द प्रिपेरनेस फ्लड रिस्क राइट फ्लड प्रोन एरियाज में रिजिलियंस अमंग द पीपल प्रमोट दैट दिस ऑल कैन बी डन नाउ व्हाट एज डू यू थिंक यू कैन कम अप विद योर अदर सजेशंस अदर सॉल्यूशंस आल्सो सो दिस वाज इट फॉर टुडेस सेशन आई होप यू लर्न आई होप यू एंजॉयड विल मीट यू इन द अदर वन ये जितने भी पॉइंट्स बताए हैं अपने नोट्स बनाते जाओ लिखते जाओ बाई दी एंड आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स होंगे नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे डाइवर्सिटी होगी आंसर्स में सिर्फ ये पॉइंट्स पॉइंट्स लिखते जाइए ठीक है जी जिन्होंने नहीं लिखा है कुछ मिस हो गया सेशन थोड़ा सा रिवाइंड करो और लिख लीजिए चलिए दिस इज योर मेंटर आरजू आर्जूगाकर साइनिंग ऑफ हैप्पी लर्निंग ऑल द बेस्ट थैंक यू टेक केयर